प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने ओम प्रकाश चटोला की सजा पूरी होने पर दिया बयान। ओम प्रकाश चटोला का बाहर आना न्यायिक फैसला है और उनका बाहर आना सामान्य है। राजनीतिक तौर पर चुनाव के दौरान अलग अलग समय पर पैरोल पर बाहर आते रहे और मुझे नहीं लगता कि इनेलो का राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एलोनाबाद का चुनाव स्थानीय मुद्दा और जमीनी स्तर के मुद्दों पर चुनाव रहेगा। सुभाष बराला ने यह भी कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी उनके बलिदान दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम कर रही है और कहा कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का जो सपना उन्होंने देखा था वो अब उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सपना पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके बाद एक बदलाव देश के लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा फैसला जो है वो आया है ओपी चौटाला की, जो है वो सजा जो है पूरी हो चुकी है, तिहाड़ जेल से उन्हें छोड़ा गया है। प्रक्रिया चल रही है, पेपर वर्क चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को और आने वाले दिनों में कितना प्रभावित करेगा ये सियासत को हरियाणा? देखिए, हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया रहती है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, उसमें किसी को भी कोई सजा होती है किसी भी मामले पर होती है और एक दिन सजा पूरी होती है और रिहाई का अवसर आता है, तो मैं समझता हूँ एक लंबे समय के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री वो बाहर आएंगे तो एक सामान्य प्रक्रिया इसको मैं मान करके चलता हूँ। 2019 के चुनावों में भी INLD उतना नहीं कर पाई, लेकिन क्या समझते हैं ओपी चौटाला के बाहर आने पर क्या राजनीतिक परिपेक्षों में तब्दीली देखने को मिलेगी, कोई कॉन्टेस्ट देखते हैं आप? क्योंकि पहले की राजनीति में INLD बड़ी प्रमुख भूमिका जो है वो हरियाणा में निभाती थी। देखिए, जहां तक राजनीतिक घटनाक्रम की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व में भी सजा होने के बाद अलग अलग समय पर चुनाव के दौर में पैरोल पर बाहर आते रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार भी हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी किया, विधानसभा में चुनाव में भी किया, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक असर INLD पार्टी की तरफ से अगर हम कोई सकारात्मक अगर वो सोच रहे होंगे तो इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के मामले में वो सजा पूरी करके आए हैं उसके बाद से जनता में उनके प्रति कोई सकारात्मक जाएगा इस बात का कोई औचित्य बनता नहीं है। एलनाबाद बाय इलेक्शंस आर ऑन द चार्ट जी, क्योंकि एलनाबाद में कोई चुनौती समझते हैं कि नहीं समझते? देखिए, एलनाबाद का चुनाव और चौटाला साहब की जो आज सजा पूरी होने के बाद उनकी रिहाई होगी उसको जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। वो चुनाव वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा, इसलिए कहीं कोई इस रिहाई से और उसके चुनाव परिणाम को जोड़ करके देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। किसान एजुकेशन को क्या? देखिए, आज हमारा यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका बलिदान दिवस है, 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश की एकता अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए जो उन्होंने उस समय की जम्मू कश्मीर में जो जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, वहाँ पर वहाँ का विधान अलग था, वहाँ का निशान अलग था, वहाँ का प्रधान अलग था, ये सारी व्यवस्था तोड़ करके देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए वो जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे और उनको वहाँ पर गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया था और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी वहाँ पर मौत हुई थी, उनका वहाँ बलिदान हुआ था। तो आज इस अवसर पर पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम आज हम उनकी यादगार में कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के ऊपर और फिर जो हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम तय किया गया है, आज उनके बलिदान दिवस 23 जून से लेकर के 6 जुलाई उनका जो जन्म दिवस है उस तक वृक्षारोपण का एक पखवाड़ा
इसके नाते कार्यक्रम लिया गया है और हर बूथ के ऊपर कम से कम 5 वृक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाएं, ये योजना बनी है और उसी के तहत आज मैंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ और उन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय का जो सपना पूर्ण रूप से देखा था, दो निशान दो प्रधान दो विधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनने के बाद, और जब खास करके दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो 5 अगस्त को बहुत बड़ा फैसला देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिया था। और जैसे जम्मू कश्मीर के में अलग व्यवस्था वहाँ पर स्थापित करते हुए केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर लागू किया, और उससे पूर्व में जो सपना उन्होंने देखा था धारा 370 और 35A को ख़त्म करने का, और जो नारा हम लोग देते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और उनसे पहले जनसंघ के कार्यकर्ता भी नारा दिया करते थे कि जिस दिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हम धारा 370 को ख़त्म करेंगे, 35A को ख़त्म करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से बदलाव लेकर के आएंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया, और आज इसके कारण से पूरे देश के अंदर देश की जनता का जहां एक तरफ मनोबल बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है, साथ के साथ एक बात ये स्थापित हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब भी जो जो भी नारे दिए वो उनको सार्थक करने का काम किया है। और जम्मू कश्मीर में ये नई व्यवस्था आने के बाद निश्चित रूप से जो बॉर्डर के पार से जो आतंकवाद की गतिविधियां चलती थी उनके ऊपर लगाम लगाने का काम भी हमारी सेनाओं ने एक ऊंचे मनोबल के साथ किया है। आज ये नई व्यवस्था वहां पर कायम होने के बाद आतंकवाद का ग्राफ काफ़ी नीचे आया है, और मुझे लगता है कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, इसके बाद से जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। वहाँ पर जनता को बहुत सारी नए व्यवस्थाएं कल के बाद देखने को मिल सकती हैं। तो आज इस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है हम जो मना रहे हैं, और इसको सार्थक करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।